हमारे मुल्क में पाकिस्तान में अगर सेक्स बोल दिया जाए ना, हाय ये क्या गंदा बेहुदा अल्फाज, सेक्स बोल दिया, सेक्स क्यों करते हुए तो शर्म नहीं आती तुम लोगों को? बहन चोद, जिस तरह से तुम इस दुनिया में आते हो ना, वो सेक्स की वजह से ही आते हो। तुम्हारे माँ बाप ने गलीज हरकत की थी तो तुम जैसे कमीने पैदा हुए। कॉन्डम पहन लेते तो तुम जैसे कमीने पैदा नहीं होते, समझ में आई ना? तुम लोगों के माँ बाप जो है ना, वो है कसूरवार, क्योंकि उन लोगों ने तुम जैसे कमीनों को पैदा किया, खलील उर रहमान जैसे कमीनों। तेरे माँ बाप ने कॉन्डम पहनना था ना, तो तुझ जैसा कमीना पैदा नहीं होता। तेरी गांड इस वजह से यहाँ आसमान पे चढ़ी हुई है क्योंकि तू थोड़ा फेमस हो गया है, दैट्स इट। थोड़ी सी फेम क्या मिल गई है, दैट्स ही है। पाकिस्तान ने आज इस तरह, तुम जैसे हो पाकिस्तान में इस तरह का, हाँ नहीं नहीं लड़कियों को जाहिल रखो ना, लड़कियों को पढ़ने मत दो, औरतों को काम नहीं करने दो, अपने पांव पे खड़े नहीं होने दो, ताकि वो तुम लोगों की मोहताज रहे, ताकि तुम लोगों की मोहताज रहे, राइट? लड़की पढ़ने चली जाएगी तो उसको समझ में आ जाएगी कि उसके लिए क्या बेहतर है क्या नहीं बेहतर है। लड़की को जाहिल बना के रखो, ठीक है ना? तुम जितने यहाँ पे मेरे को लानतें भेज रहे हो ना, जितने यहाँ पर बेशरम बेहुदा बेहुदा, काश खुदा इन लोगों की सबकी गांड में ना दो दो डंडे प्लीज कोई आके दे दे, क्योंकि इनका जिस्म है और इनकी मर्जी तो है नहीं, ठीक है ना? तुम लोगों का जिस्म है, तुम्हारी मर्जी नहीं है, तो आके ठोकने दो ना किसी को अपने आके अपनी गांड पे। नहीं उस वक्त तो नहीं ना, उस वक्त तो आपकी आपका जिस्म आपकी मर्जी हो जाएगी। प्लीज स्टॉप दिस।